तो OB28 अपडेट के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यार वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा है कि जो जो चीज़ें आने वाला है, जो जो चीज़ें नहीं आने वाला है। मैंने सोचा कि यार वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि न्यू आया है, लीक्स निकल के सामने, जो अभी तक किसी ने नहीं बताया है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक के ऊपर फुल डिटेल्स पर बात करूंगा। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, तो यार लास्ट तक बने रहो। स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ बोलूंगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही रेड करके सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड घंटे बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलना। साथ ही साथ यार लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलना। चलो करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तीन तक काउंट करूंगा, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर देना, ओके, थ्री बोलने पर, 1 2 3। तो आई होप यार आप सब ने इसी तरह लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, साथ ही घंटे वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट भी कर दिया होगा। जिसने भी नहीं किया कर दो। एंड एक चीज़ यार, आज के इस वीडियो में टोटल डिस्कस करेंगे जो न्यू चीज़ें आपको OB28 अपडेट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, उसी के ऊपर। बाकी के यूट्यूबर्स ने जितने वीडियो बनाए, मैं वही बात नहीं करूंगा कि कौन सा गन आने वाला है, कौन सा पेट आने वाला है, ये वगैरह वगैरह। तो यार चलो देखते हैं सबसे पहले क्या आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहला जो चीज़ है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा न्यू मैप। न्यू मैप नहीं कहूँगा, एक न्यू प्लेस आप कह सकते हो। तो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू प्लेस आपको जो कि है द सर्किट आपको गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। एक न्यू टाइप का आप कह सकते हो प्लेस होगा। और जिसको जिसको पता है मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन सा जगह है ये जिसको चेंज करके यहाँ पर द सर्किट नेम किया गया है। नीचे देख सकते हो कोटाटुआ है, ऊपर है कैराटोन। तो ये कौन सा जगह है जिसको चेंज करके यहाँ पर द सर्किट नाम रखा गया है। और एक चीज़, ये मैप देखकर आपको लग रहा है कि ये बरमूडा का मैप है, लेकिन जो यहाँ पर लीक्स निकल कर सामने आ रहा है कि जो द सर्किट मैप है वो आपको बरमूडा रीमास्टर्ड में देखने के लिए मिलेगा, मतलब उस पर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैप दिखा रहा है, मैप देखकर मुझे लग रहा है कि ये बरमूडा, मतलब जो प्लेन बरमूडा मैप है वही है। अभी ये फिलहाल देखने वाली बात है कि हमें ये मैप जो कि है चेंजेस बरमूडा पर देखने के लिए मिलता है या बरमूडा रीमास्टर्ड पर। ज़्यादातर चांसेस है कि बरमूडा रीमास्टर्ड पर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लीक्स पर वैसा ही लिखा जा रहा है। लेकिन इस मैप पर कैसे यहाँ पर दा सर्किट दे दिया, ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ये अपडेट आएगा, अपडेट के बाद हमें खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर चेंजेस बरमूडा मैप में होगा या बरमूडा रिमास्टर्ड मैप पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी चलो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आपको OB20 अपडेट के अंदर देखने के लिए मिलेगा और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। आप लोग देख कर आप खुद ही समझ जाओगे क्या अपडेट है। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पे बनाया था, जिसने भी नहीं देखा उन लोगों को बता देता हूँ कि गेम के अंदर आप लोग अभी क्या खेलते हो। एक ही बटन के अंदर आपको मतलब ग्लोबल भी मिलता है, उसी बटन के अंदर आपको ग्रेनेड मिलता है, उसी मतलब बटन के अंदर आपको फ्लैशबैंग मिलता है, लैंडमाइन मिलता है। तो यहाँ पर ग्लोबल के लिए एक अलग सा ग्रेनाइट स्विच कर दिया गया है फ्री फायर की ओर से, जिसमें सिर्फ आप वहाँ पर ग्लोबल ही रख पाओगे आपको, और उस पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको ग्रेनाइट है तो वो आपका एक और स्लॉट में दिख मतलब शो होगा, और अगर आपके पास ग्लोबल है तो वो दूसरे स्लॉट में शो होगा। तो इसके लिए आपको यार जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाकर ग्रेनाइट स्लॉट है वहाँ पर सिंगल मोड आता है, सिंगल स्लॉट करा हुआ है, उसको आपको डबल स्लॉट करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस मतलब फ्यूचर्स का फ़ायदा उठा पाओगे। और मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना किस किस को अभी दिक्कत होता है, कि अगर आप सपोज सामने एनिमी हो, आपके पास ग्लोबल है, आपको फिर स्विच करना पड़ेगा ग्रेनाइट को, फिर ग्रेनाइट लेकर आपको एनिमी को मारना पड़ेगा, फिर आपको ग्लोबल स्विच करना पड़ेगा। ये दिक्कत तो मेरे साथ तो होता ही है। आप में से कमेंट करके बताओ किन किन बंदों के साथ ये वाला दिक्कत होता रहता है। वो लोग के लिए बहुत ही यहाँ पर न्यू मतलब कह सकते हो एक अच्छा फ्यूचर यहाँ पर फ्री फायर ने दिया है, अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि ग्लोबल को टोटली चेंज कर दिया गया है एंड ग्रेनाइट को टोटली चेंज कर दिया गया है। इसके बाद जो बात करेंगे, जिसका ये थंबनेल था, आप लोगों ने बहुत सारे बंदे ने थंबनेल देखकर ही क्लिक किया होगा, जो कि है यार न्यू लॉबी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस टाइप का लॉबी, जो कि OB28 अपडेट के बाद देखने के लिए मिलेगा। लॉबी बड़ा ही प्यारा मेरे को लग रहा है, और अगर आप देखोगे तो कुछ रैम्पेज का यहाँ पर सीन आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप नीचे नोटिस करोगे तो फायर पास में, ये जो फायर वाला पास है ये काउबॉय 2.0 का इलाइट पास होने वाला है, और ये इसका है
जो यहाँ पर फ्री फायर फायर बस में रहता है वो वाला सीन। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में चारों इवेंट चल रहे हैं। हो सकता है कि एक इवेंट तो मेरे को पता है रैम्पेज का होने वाला है, एक इवेंट जो अभी हमारा कप चल रहा है फ्री फायर का उसका होने वाला है, बाकी के दो इवेंट्स कुछ न्यू हो सकते हैं हमें देखने के लिए मिले गेम के ऊपर। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो चारों इवेंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि लॉबी कितना प्यारा लग रहा है, मेरे को तो लॉबी बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग बाकी कमेंट करके बताओ कि ये वाला लॉबी किसको किसको ज़्यादा पसंद आया। और आप लोगों का बहुत आपको बता देते हैं फ्री फायर के अंदर जो कि है OB28 अपडेट पर वुकोंग कैरेक्टर का कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। चेंज होने वाला है तीन कैरेक्टर का, क्लू, प्लोमा एंड या लौरा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो डाल दिया है जिनके पास एडवांस सर्वर है कि क्या क्या चेंजेस उन कैरेक्टर्स पर होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं पर्टिकुलर वीडियो उन पर नहीं बता रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कौन कौन से कैरेक्टर पर चेंजेस करा गया। आपको पता ही है हर अपडेट के बाद कैरेक्टर के अंदर चेंजेस करा जाता है, तो सेम इसी में तीन कैरेक्टर के पास मतलब तीन कैरेक्टर को चेंज करा गया है, वुकोंग एंड क्रोनो। इस पर कोई भी चेंजेस अभी नहीं है, तो जिसके पास वुकोंग है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। फ्री में किस किस ने वुकोंग ले लिया है जो रिवार्ड में, मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताना। अभी आप लोगों का क्वेश्चंस होगा कि भाई OB28 अपडेट आने कब वाला है, इसका फिक्स डेट क्या होने वाला है, तो वो भी आज के इस वीडियो में हम आपको कंफर्म कर देंगे कि OB28 अपडेट आने कब वाला है। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो OB28 अपडेट कब आने वाला है, उसका डेट यहाँ पर निकल चुका है और इसी दिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा गेम के ऊपर एक अपडेट। जैसा कि पता ही है सर्वर हो जाएगा मतलब मेंटेनेंस पर चला जाएगा फ्री फायर, और आप सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर गेम को ओपन नहीं कर पाओगे, उसके बाद यहाँ पर आप गेम को ओपन कर पाओगे। भाई साहब देखते देखते 2 महीना हो गया, पता ही नहीं चला टाइम का, क्योंकि 2 महीने बाद हर एक अपडेट आता है और अगले महीने ही लगातार मतलब लग रहा है कि यार कुछ ही दिन पहले हमने यहाँ पर अपडेट किया था और देखते देखते वो 2 महीना हो चुका है, लेकिन टाइम तो बीतता ही रहता है, कोई इसको रोक नहीं सकता। यहाँ पर आप देख सकते हो OB28 अपडेट यहाँ पर आपको 8 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगा जून के, और आई थिंक मेरे को जितना लगता है कि OB28 अपडेट के बाद, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, रैम्पेज इवेंट भी आपको OB28 अपडेट के बाद देखने के लिए मिलेगा, और मेरा बात यहाँ पर सच होता हुआ, क्योंकि अभी जो कि है 6 तारीख तक आपका फ्री फायर कब वाला जितना भी फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का इवेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन के बाद आपको OB28 अपडेट देखने के लिए मिलेगा, एंड अपडेट के बाद आपको रैम्पेज 3.0 या रैम्पेज न्यू डॉन, जिसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाकर रखा है, उनके बंडल्स क्या क्या है, कुछ नए वाउचर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। जिसने भी अभी तक नहीं देखा यार जाओ, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, रैम्पेज इवेंट के बारे में जितना भी लीक सामने आया था वो मैंने वीडियो डाल रखा है, फटाफट जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में मैंने जितना भी लीक्स था जितना भी कुछ पता था आप लोगों तक शेयर कर दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही जो घंटे वाला आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट करना भी मत भूलना। तो चलो करते हैं फिलहाल आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड, मिलेंगे आपके साथ और एक न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोग घर में रहो, स्वस्थ रहो, अपने अपने फैमिली का ख्याल रखो, सभी को हमारी तरफ से डार्क शूटर की तरफ से टाटा।